जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर स्पार्क। स्वागत है एक और वीडियो में। सामने दोस्तों खड़ी है 2024 फेसलिफ्ट मारुति स्विफ्ट। एक चीज़ बता दूं दोस्तों, VXI ऑप्शनल वेरिएंट है। ऑप्शनल में अब क्या अलग मिलता है VXI से, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो चाबी पे आ जाते हैं। सबसे बड़ा अंतर है चाबी का। तो चाबी आपको अलग मिल जाती है, आपको ZXI की तरह आपको टॉप एंड वैली चाबी देखने के लिए मिलती है। उसके बाद अगर यहाँ पर आ जाएँ तो यहाँ पर सुजुकी का लोगो, पियानो ब्लैक में ग्रिल, ये तो सब ऑलमोस्ट वही मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको DRL नहीं मिलते हैं, तो उसमें भी नहीं मिलते हैं VXI में, लेकिन VXI ऑप्शनल और VXI सेम है। यहाँ पर हेडलाइट के मामले में प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलती है, इंडिकेटर यूनिट यहाँ मिलती है, फॉग लाइट मिलती नहीं है। पियानो में ये मैंने बताई दिया, ग्रिल मिलती है, नीचे की स्किड प्लेट मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है। अगर इस तरफ आ जाएँ तो ये देखो टायर साइज, यहाँ पर 185/65 R14 का ही मिलता है, सेम मिलता है, स्टील मिलता है, और फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। और रियर की बात करें तो वहाँ पर ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं। ORVM दोस्तों बॉडी कलर में मिलेंगे, और इसी के ऊपर टर्न इंडिकेटर मिलेगा। इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पर देखें ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर ब्लैक टेप्ड आउट मिलते हैं, लेकिन एक अंतर यहाँ पर मिलता है, यहाँ डोर रोकेस सेंसिंग का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये एक अंतर है यहाँ पर। और अगर पीछे की तरफ आ जाए तो देखो यहाँ पर तो ये बदलाव है ही, ये यहाँ से उठ के यहाँ पर आ चुका है। सी पिलर आपको पियानो में मिलता है। पीछे की टेल लाइट देखें तो ऑलमोस्ट आपको इस तरीके की टेल लाइट देखने के लिए मिल रही है। सब में एक जैसी टेल लाइट है बेस से लेकर टॉप तक, ठीक है। चार रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। कैमरा इसमें भी नहीं है और VXI में भी नहीं है, दोनों में कैमरा नहीं मिलता है। यहाँ पर सुजुकी का लोगो, स्विफ्ट की ब्रांडिंग। यहाँ पर देखें तो डिफॉगर मिल रहा है, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाती है। यहाँ पर एंटीना कुछ इस तरीके से मिल जाता है। इस तरफ आ जाए तो सेम फ्यूल टैंक वगैरह सब ऑलमोस्ट सेम मिलने वाला है। जो अब बाहर बाहर के अंतर थे वो देखो, ये मैं आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ। एक तो चाबी बदल गई, दूसरा ये डोर रोक सेंसिंग का ऑप्शन आ गया, और बाहर कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। बस बाहर इतना ही अंतर मिलेगा। अब बात करेंगे अंदर की तरफ। तो जैसे ही हम डोर को ओपन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर देखो कुशनिंग इस तरीके से मिल रही है। चारों पावर विंडो मिल रही हैं, सेम मिल रही है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल आपको ये ORVM और मिलने लगे। तीसरा अंतर ये मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद बॉटल होल्डर वगैरह तो आपको सेम एज इट इज़ मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ये स्पीकर मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो देखो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट सेम एज इट इज़ मिलेंगे। हाइट एडजस्टेबल देखो उसमें भी नहीं था और इसमें भी नहीं मिलेगा। बाकी नीचे की तरफ आपको सेम मिलता है। यहाँ पर डेड पेडल वगैरह देख लीजिए। यहाँ पर इंजन ऑटो कट ऑफ का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देख लीजिए, कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर स्टिक टिक को करते हैं बंद। यहाँ पर हाँ एक बदलाव ये है दोस्तों, यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल गया, ठीक है। उसमें नहीं मिलता है VXI में, VXI ऑप्शनल में मिलता है, ठीक है। तो ये एक मिल गया बदलाव। और यहाँ इसे अगर ऑन करता हूँ मैं, ये देखो टू टू की आवाज़ कर रही है। ये देखो ये कुछ ऐसा आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेगा, फुली डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिल जाता है। सेम जैसा उसमें मिल रहा है VXI में, वैसा ही ऑलमोस्ट आपको यहाँ मिलने वाला है। स्टीयरिंग पे बात करें तो ऑलमोस्ट सभी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर बात करें तो क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको सेम मिलने वाला है। यहाँ पर जो है मैनुअल ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन लुक और डिजाइन वही है सेम टॉप एंड वाला। यहाँ पर जो है सेम मिलने वाला है, 7 इंच का उसमें मिलता है, 7 इंच का आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई बदलाव नहीं। AC वेंट का डिजाइन ऐसे ही रहने वाला है। हैज़र्ड बटन यहाँ पर आ गया। अगर यहाँ पर बात करें तो देखो 3 लेयर्ड आपको यहाँ पर डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर एक ऐसा मिल जाता है टच, एक ऐसा ऐसा, उसके बाद 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है। मारुति बहुत हल्ला बजा रही है इस बात पर। टिकट होल्डर यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको डे नाइट वाला आपको IRVM देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखें तो कुछ इस तरीके से ये आपको जो है सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर मिल जाता है पैसेंजर साइड में। यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। तो ये है कुछ इस तरीके का सेटअप। यहाँ पर नीचे देखें तो नीचे ऑलमोस्ट सेम वही मिलने वाला है जो VXI मिलता है। USB पोर्ट मिल जाता है, एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, ये एक स्पेस हो गया। लेकिन टॉप एंड में यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग है, यहाँ स्पेस है। 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, ये गियर लीवर हो गया। यहाँ पर देखें तो पार्किंग ब्रेक कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पर देखें तो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। तो ये था कुछ इस तरीके का सेटअप। अब एक काम करते हैं, रियर सीट पर चल के देखते हैं क्या क्या मिलेगा, उसके बाद मैं पूरे जो जो अंतर है ना सब एक साथ बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए पीछे, और पीछे देखिए, पीछे ऑलमोस्ट सेम मिलने वाला है जैसा वहाँ मिलता था। पावर विंडो ये मिल गया, उसके बाद यहाँ पर छोटा बॉटल होल्डर, और यहाँ पर स्पीकर की बात करूँ तो शायद एक स्पीकर मिल रहा है आपको एक्स्ट्रा, यहाँ पर स्पीकर एक्स्ट्रा मिल रहा है। उसके बाद दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट तो आपको देखने के लिए मिल रही हैं। और अगर पीछे बैठ के बात करें तो ये है पीछे का सेटअप। पीछे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, बस एक बॉटल होल्डर मिलेगा जिसमें बॉटल आना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद पीछे से डैशबोर्ड आपको कुछ ऐसा मिलेगा देखने के लिए। तो ये है कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड, ठीक है।
उसके बाद देखो यहाँ पर आपको ये कुछ इस तरीके से ग्रैब हैंडल वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, बूट में चलते हैं, बूट में क्या है। तो ये है भैया 265 लीटर का बूट स्पेस। यहाँ पर आपको हुक मिल जाता है, लाइट नहीं मिलेगी, सेम आपको मिलने वाला है। यहाँ पर स्पेयर व्हील की बात करूँ तो 14 इंच का सेम मिलता है। ठीक है, सेम स्पेयर व्हील मिलता है। ठीक है, ये कर देता हूँ मैं बंद। उसके बाद यहाँ पर पार्सल ट्रे देख लो, ये देखो यहाँ पर डैशबोर्ड वगैरह सेम ऐसा ही मिलने वाला है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, तो एज़ इट इज़ मिलेगा। ठीक है, ये था दोस्तों VXI ऑप्शनल वेरिएंट। बड़े मेजर चेंजेस क्या क्या थे, एक तो देखो चाबी चेंज थी, बाहर एक्सटीरियर में मैं बात करूँ तो चाबी में बदलाव था। उसके बाद यहाँ पर आपको ये डोर रोकर सेंसिंग का ऑप्शन मिल गया। उसके बाद इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM मिल गए। उसके बाद इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल गया। चार चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं और उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद दोस्तों कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, सब कुछ आपको वही है। और दो स्पीकर और मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, ये और देख लीजिए। तो पांच चीज़ें ऑलमोस्ट जो है ना आपको अलग से देखने के लिए मिलेंगी VXI ऑप्शनल में, VXI के मुकाबले VXI ऑप्शनल में। तो ये ऐसा कुछ आपको सेटअप मिल जाता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो जय हिंद।